नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा विद्या शाखा से आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उदयमान भारतीय व्यवस्था और शिक्षा में आज हम खंड 2 और इकाई 4 पर आपसे चर्चा करेंगे, जिसका विषय है गांधी का शैक्षिक दर्शन। मित्रों, गांधी के शैक्षिक दर्शन की बात करने से पहले हम उन चीज़ों को जान लें जिन परिस्थितियों में गांधी जी ने भारत का राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान किया था। उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थीं और उसमें तत्कालीन परिस्थितियों में कैसी आवश्यकता थी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो या अन्य और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था रही हो। गांधी जी राजनीतिक व्यक्तित्व के मालिक थे और हम आगे देखते हैं इसको। गांधी जी राजनीतिक व्यक्तित्व के मालिक थे और साथ ही वह समाज से जुड़ी समस्याओं पर भी गौर करते थे। उल्लेखनीय है कि चूंकि उस समय समाज भी इतना आधुनिक और उन्नत नहीं था और राजनीति भी हम अंग्रेजों के अधीन थी, ऐसी परिस्थिति में हम यह जानने की कोशिश करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी बराबर दोनों पर काम करते थे। वह राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान करते थे और सामाजिक नेतृत्व भी प्रदान करते थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के शासन में उनकी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो किसी न किसी रूप में उनके हितों को साधती थी। वह चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो कर की व्यवस्था हो, चाहे एग्रीकल्चर की व्यवस्था हो या कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, वह अंग्रेजों को हितों को साधती थी। उसी क्रम में शिक्षा के साथ भी वह वही कार्य कर रहे थे और उनके वो शिक्षा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते थे जिसमें ब्रिटिश हितों का साधन पूरा हो, ब्रिटिश हितों को साधा जाए, न कि वह भारतीय जरूरतों के मुताबिक अपनी शिक्षा की व्यवस्था बनाए थे। ऐसी स्थिति में यह विपरीत परिस्थितियां थी, भारतीय समाज के लिए भी विपरीत परिस्थितियां थी और व्यक्ति के लिए भी विपरीत परिस्थितियां थी। अब गांधी जी का पदार्पण भारतीय राजनीति में 1915 के आसपास या 1915 से ही हुआ। उस समय की परिस्थितियाँ जो थी वह बिल्कुल अंग्रेजों के पक्ष में थी। हालांकि उस समय छिटपुट आंदोलन चल रहे थे जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, उसके पहले 1857, फिर बाद में और भी छोटे आग्रह विग्रह चल रहे थे। उन परिस्थितियों को समझने में गांधी जी ने कुछ समय लगाया और फिर सर्वप्रथम उन्होंने 1920 में एजुकेशन के या शिक्षा के बारे में यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा और फिर उसके बाद वो सनई सनई इस पर बोलते भी थे, लिखते भी थे। इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि गांधी जी ने गंभीरता पूर्वक उन कमियों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जो एक भारतीय समाज में भारतीय जरूरतों के हिसाब से शिक्षा नहीं थी। उन्होंने एक नए तरह की बात की और यह कहा कि हमारी आवश्यकताएं बिल्कुल दूसरे तरह की हैं जो हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही वो पूरी होंगी। परिस्थितियां चूंकि विपरीत थी, ऐसी स्थिति में गांधी जी ने शिक्षा की अवधारणा को नए तरह से प्रस्तुत किया। नए तरह से मतलब यहाँ नए सिद्धांत उन्होंने नहीं दिए, नई कोई अलग से शिक्षण पद्धति बताई, वह पद्धतियाँ थी जो परंपरागत रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली में पहले से भी चल रही थी, उन्हीं में से उन्होंने उठाया। और उनका ये कहना था कि हमारी परिस्थितियों में जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह काम करेगी और वह समस्याओं का समाधान करेगी, वह समाज का एक विकास करेगी और व्यक्तियों का विकास करेगी। इस स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने
कहा कि यह जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है वह हमारे लिए माकूल नहीं, उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहिए। अब अंग्रेज जब आए भारत में तो उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्थगित कर दिया, पूर्णतः स्थगित करके, और यहाँ के साहित्य के बारे में, यहाँ की लिखित सामग्री के बारे में, यहाँ के धार्मिक पुस्तकों के बारे में, यहाँ के ऐतिहासिक ज्ञान को, और यहाँ के से जुड़ी हुई, भारत से जुड़ी हुई तमाम जो भी चीज़ें थी उसको पूर्णतः स्थगित कर दिया। और स्थगित करते हुए अपनी एक नई शिक्षा व्यवस्था थोपने की कोशिश की, जो किसी भी परिस्थिति में चाहे वो प्रशासन की दृष्टि से, चाहे एजुकेशन की दृष्टि से, या चाहे किसी से भी, वह अपने पक्ष में उस कार्य को पूरा करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में गांधी ने तार्किक व्याख्या की, अपने दिए हुए शिक्षा व्यवस्था की तार्किक व्याख्या की, और उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा बालक या व्यक्ति के का उच्चतम विकास हो, उसका आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक या उच्चतम विकास हो, शिक्षा एक संसाधन के रूप में उसे विकसित करे और उस उपकरण को व्यक्ति के और समाज के विकास में लगाया जाए, न कि उस राज सत्ता के विकास में लगाया जाए या उस राज सत्ता को स्थापित करने में लगाया जाए जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि सामाजिक, वैयक्तिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक विकास हेतु आवश्यक है शिक्षा, या भारतीय चिंतन एवं दर्शन की एक पुरानी परंपरा थी जो चल रही थी। यह अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की और हमारी जो स्थगित शिक्षा व्यवस्था थी उसको जीवंत करने का प्रयास किया, और ये कहा कि यह आगे चलकर हमारे लिए एक मॉडल विकसित होगा। हम देखेंगे आगे इस पर उन्होंने बात की है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, गांधी जी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित करते समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक युक्त हेतु संसाधन का प्रयोग करना चाहते थे। वह शिक्षा को केवल यह नहीं कहते थे कि आप केवल लिख लें, पढ़ लें, गणना कर लें, वही शिक्षा है, ऐसा नहीं। गांधी जी का मानना था कि उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास हो, और इन चीज़ों को उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में लाने की का प्रयास किया, और लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, अपने संबोधनों में, राजनीतिक संभाषणों में, जहाँ भी कहीं कोई मंच मिलता था वह हमेशा शिक्षा के इस उद्देश्यों की बात करते थे। आप देखेंगे आगे इसमें कि इसको किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है। शारीरिक विकास यह निश्चित रूप से सर्वमान्य है, स्थापित सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि और मन विकास करता है या स्थापित होता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए। अब यहाँ विषय है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी कैसे होगी कि वह व्यक्ति को, जो स्वास्थ्य संबंधी नियम हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं भारतीय परिवेश में, भारतीय भूभौगोलिक स्थितियों में, उनको शिक्षा में समाहित किया जाए और उसको अभ्यास में लाया जाए और बालक या व्यक्ति को उससे परिचित कराया जाए कि स्वस्थ रहने के क्या नियम है। जैसे साफ सफाई, उनका कहना था कि साफ सफाई, स्वयं की सफाई, अपने आसपास की सफाई, और शारीरिक नियमों को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, व्यायाम करना, प्रार्थना करना, टहलना, अपने जीवन में वो खुद भी काफ़ी इस बात के लिए कॉन्शस थे। एक इस संदर्भ में एक बात मैं बताऊं आपको कि जब ये 1888 में लंदन पहुँचे तो चूंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली हुई थी,
उन भौगोलिक परिस्थितियों में इनको एडजस्ट करने में, इनका सामंजस्य होने में समय लग रहा था और ये बराबर इनकी तबीयत जो थी वो ख़राब हुआ करती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वतः से एक मन में ये विचार किया कि किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं। उनकी अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मैं फिर 40 से 45 मिनट प्रतिदिन पैदल चलने लगा और पैदल चलने से मेरे शारीरिक व्यायाम की पूर्ति हो जाती थी, जिससे मेरा स्वास्थ्य संबंधी समस्या धीरे 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 ठीक होने लगी और वो उनके दिनचर्या में वो शामिल हो गई। यह बात उनके दिनचर्या में शामिल हो गई और वो पूरे जीवन जो 40 से 45 मिनट जितना समय उनको मिलता था, समय के मुताबिक वह सवेरे पैदल चलने का कार्य करते थे। अब वह यह स्वरूप तो था व्यायाम का, क्योंकि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि लोग पैदल चलें। तो इन परिस्थितियों में गांधी जी ने स्वयं से यह खोजा कि यह स्वयं से महसूस किया कि व्यायाम आवश्यक है। अब शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो साफ सफाई, व्यायाम, श्रम को भी गांधी जी ने बहुत महत्व दिया, जो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने शिक्षा को एक साधन के रूप में माना, कहा कि विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, व्यक्ति को, बालक को, जिसको भी हम शिक्षित करते हैं, उसे स्वास्थ्य के नियमों के बारे में बताएं, उसे समझाएं कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और उसको अभ्यास में डालें। आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक विकास। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। चूंकि समाज कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह लोगों के समूह है जिसमें व्यक्ति और उससे संबंधित सारी घटनाएं, परिघटनाएं, परंपराएं, रीत रिवाज, खान पान, रहन सहन, वह सारी चीज़ें उससे जुड़ती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जब खुद संपन्न होगा विशेष गुणों से या सामान्य गुणों से, या उसका सामंजस्य समाज से होगा, तो समाज भी समुन्नत होगा। तो यहाँ पहला है व्यक्तिगत विकास। एक व्यक्ति के जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, शिक्षा इसको पूरा करे। गांधी जी का तो यह भी कहना था कि शिक्षा वह होनी चाहिए जो व्यक्ति को मुक्ति दिलाए, शा विद्या या विमुक्ते, जो आदि शंकराचार्य ने जो परिभाषा दी थी उस परिभाषा के मुताबिक गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा जो बाधाएं उसके जीवन में है उससे मुक्ति मिले। बाधाओं से मतलब यहाँ है उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी व्यक्तिगत स्थितियां भी, उसके जो सामान्य संबंध हैं उससे भी अगर उसमें कोई व्यवधान आए तो उससे वह मुक्ति दिलाए। शिक्षा का यह आशय था। ठीक उसी प्रकार जब वह व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो समाज समुन्नत होता है और समाज में वह किस तरह उससे सामंजस्य बैठाता है, किस तरह समूह में सामूहिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय कार्य, धार्मिक कार्य किस तरह एडजस्टमेंट करके समाज को आगे बढ़ाता है। या निश्चित रूप से अवधारणा है कि यदि व्यक्ति समुन्नत है, विशेष गुणों से समुन्नत है, सामान्य गुणों से समुन्नत है, उसका जीवन ठीक ठाक है, उसकी दिनचर्या ठीक ठाक है, उसका कार्य व्यवहार ठीक है, और तो वह जिस समाज में रहता है उस समाज का भी स्तर ऊंचा उठेगा। ऐसी गांधी जी का मानना था कि वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं सांस्कृतिक विकास। हम सभी को पता है कि भारत में संस्कृति दुनिया के कई अन्य देशों से बहुत पुरानी है और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि तमाम ऐसी सभ्यताएं हैं जो समय के अनुसार समाप्त हो गई, उसमें न कोई गति है न प्रगति है, वो मृत प्राय हो गई। अब उन संस्कृतियों की जो परंपराएं थी, जो कार्य व्यवहार थे, जो एक्टिविटीज थी, वो या तो स्थगित हो गई या तो बंद हो गई। अब ऐसी
स्थिति में भारत की संस्कृति जो है वो हजारों साल से चलती आ रही है। अब इन परिस्थितियों में हमको इस विषय पर विचार करना चाहिए कि वह कौन से विशेष गुण हैं, वह कौन सी व्यवस्था है जिसमें भारतीय संस्कृति इस तरह प्रवाहमान है। तो उसमें तो कुछ विशेष गुण होगा, उन विशेष गुणों को ध्यान में रखकर गांधी जी का मानना था कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या बालक का या वह जो शिक्षार्थी है चाहे वो प्रौढ़ ही सही सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। आशय था कि हमारी संस्कृति में वह कौन से विशेष तत्व हैं, वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति को प्रवाहमान बनाए हुए है और यहाँ हजारों साल पुरानी संस्कृति हमारी चल रही है। वह बहुत विभिन्नताएं हैं हमारे इस देश में, इस भूखंड में बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी यह किसी न किसी रूप में भारतीय संस्कृति का ही भाग है। वह भारतीय संस्कृति प्रवाहमान है, उसमें कुछ विशेषता है। गांधी जी का मानना था कि इन विशेषताओं को शिक्षा के द्वारा अपने विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, व्यक्तियों या अपने समाज को शिक्षित करना चाहिए ताकि उसकी विशेषताओं को समझ सकें। आगे हम देखते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास। समाज सम्मत नियमों के मुताबिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जो समाज सम्मत नीतियाँ हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार, उसके अनुरूप, उसके अनुक्रम में व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। उससे शिक्षा के द्वारा उसका परिचय कराया जाना चाहिए कि हमारे समाज में किस प्रकार के नैतिक गुण हैं। उसको शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उनके अभ्यास में उसको लाना चाहिए, उसके कार्य व्यवहार में लाना चाहिए। अब हम सबको पता है कि गांधी जी अहिंसक थे, सत्यवादी थे, सत्याग्रही थे, निर्भय थे। यह कोई अलग से गुण नहीं है, यह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व है। यह हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे अन्य धार्मिक पुस्तकों में या इन पुस्तकों के अतिरिक्त भी सामान्य जीवन में व्यक्तियों के द्वारा यह प्रयोग में लाया जाता है, यह नैतिकता होती है। अब इस नैतिकता को हम उठाकर वहाँ से लाएं, धार्मिक पुस्तकों से लाएं, जो समाज में है वहाँ से ले आएं और इसको शिक्षा की पाठ्यचर्या में लागू करें, इसको ले आएं और शिक्षा की पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में इसको ले आकर और इसको विद्यालयों में इसका शिक्षण कार्य करें। ऐसी स्थिति में चारित्रिक विकास की बात जहाँ तक गांधी जी कहते हैं, जो उनके अंदर चरित्रगत विशेषताएं थी, जैसे वह किसी भी परिस्थिति में असत्य प्रलाप नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह व्यक्ति में या बालक में यह चरित्र होना ही चाहिए। वह सत्यवादी हो, अहिंसक हो, पर पीड़क नहीं हो। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है जिसको गांधी जी ने अपनाया कि अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारी पूरी प्रक्रिया को सतत करने में अपना योगदान दे रही है। ऐसी स्थिति में गांधी जी का मानना था कि यह व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, यह उसकी शिक्षा का भाग होना चाहिए, उसको उसके करिकुलम में, उसके पाठ्यचर्या में यह बताया जाना चाहिए कि व्यक्ति जैसे मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों विधियों से किसी तरह किसी का अहित नहीं करिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करिए, निर्भय होना चाहिए। गांधी जी ने इतने बड़े सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसी क्रूर शासन के विरुद्ध उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को आगे बढ़ाया। उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें गांधी जी के साथ चलने वाले लोग और गांधी जी स्वयं किसी चीज का बलपूर्वक प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे नेतृत्व में कहीं भी इस तरह का कोई कार्य नहीं किया, ना अपने किसी अनुयायी के द्वारा या अपने किसी समर्थक के द्वारा यह करने दिया। तो हमारा यह मानना है कि गांधी जी ये पूरी तरह आत्मसात करते थे कि व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए। एक और भी बात जुड़ती है, जो व्यक्ति अहिंसक होगा वही व्यक्ति निर्भय भी होगा।
गांधी जी का यह मानना था कि शिक्षा हमारी ऐसी हो जो हमें भय मुक्त करे, भय से अलग करे, निर्भय बनाए, जो अपनी बात हम किसी के सामने रख सके। तो इन चारित्रिक पितरों की बात करते थे जिन्होंने खुद प्रयोग किया इसका, उन्होंने अपने नेतृत्व में खुद इन चीज़ों का प्रयोग किया है और यह जानने का प्रयास किया है कि अंग्रेज या कोई और जो उनके सामने कभी विरोध प्रतिरोध करता है उससे इससे कैसे निपटा जाए। वह कभी भी अपने पूरे राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व में और पूरे जीवन में कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना उन्होंने पर पीड़ा की। उनका मानना था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह व्यवस्था समाहित हो। मूल रूप से स्वयं गांधी जी इन चीजों का पालन करते थे। आगे हम देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम। गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन विषयों की चर्चा की जाती है जो सैद्धांतिक रूप से उसके उद्देश्य में उन्होंने रखा था। पहला है शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या हिंदुस्तानी हो। मातृभाषा से आशय था, उस समय तो कोई हमारे पास इस तरह के बंटवारे नहीं थे। जब 1920 से लेकर 1937 तक गांधी जी अपनी शिक्षा के बारे में लिख रहे थे या बोल रहे थे या भाषण दे रहे थे, इवन यह बात यहाँ से शुरू होकर 1920 से शुरू होकर 1937 तक जाती है जब वर्धा शिक्षा योजना उन्होंने प्रस्तुत की थी। इस इतने 17 साल के लंबी अवधि में भाषा संबंधी समस्याएं शिक्षा में, राजनीतिक नेतृत्व और आंदोलन में और भी तमाम आयामों में देश में उस समय थी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहली यह कि शिक्षा का जो माध्यम हो वह मातृभाषा हो और दूसरा हिंदुस्तानी। यहाँ समझने की चीज़ है कि अंग्रेजों ने जो शासन सत्ता ग्रहण की थी वह मुगलों के हाथ से शासन सत्ता ग्रहण की थी। उस समय हमारी राजकीय भाषा जो थी वह फारसी थी और बहुतायत बोलचाल की भाषा में उर्दू का प्रयोग होता था। अब ऐसी परिस्थितियों में हम देखेंगे कि उर्दू और फारसी का जो प्रयोग होता था और सामान्य जन उर्दू और फारसी का प्रयोग अपनी बोलचाल और अपने कार्य व्यवहार में भी करते थे। अब ऐसी स्थिति में केवल हिंदी की बात अगर वहाँ की जाती तो थोड़ी मुश्किल पैदा होती कि शिक्षा व्यवस्था में केवल हिंदी को माध्यम बनाया जाए, तो वो संभव नहीं था, वो आज भी संभव नहीं है। त्रिभाषा फार्मूला इसीलिए लागू किया गया है कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी, बालक व्यक्ति या जो भी पढ़ना चाहे, वो जो शिक्षार्थी हो वो पढ़े। गांधी जी ने तभी ये सोच लिया था कि यह व्यवस्था होनी चाहिए और तीनों मातृभाषा और हिंदुस्तानी दोनों की बात की थी। दूसरा है व्यवहार गणित। आप देखेंगे व्यवहार गणित उन दिनों ये आधुनिक शिक्षा पद्धति अभी नहीं लागू थी। व्यवहार गणित जैसे खेतों की नपाई गणना, उस समय जो वाणिज्यिक व्यवस्था थी देश में वह कुछ एक्सचेंज पर आधारित थी कि जैसे कोई सामान लिया उसके बदले कोई सामान दिया। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में उन दिनों जैसे आजकल सब्जी मार्केट शहरों में आप देखते हैं, उन दिनों अनाज के बदले कुछ लोग सब्जी बेचते थे और एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से। यह पूरे देश में अलग अलग व्यवस्थाओं की तरह लागू था। अब हम देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं इस तरह की गणना की व्यवस्था उसमें की जाए और बच्चे को उसकी पाठ्यचर्या में व्यवहार गणित होनी चाहिए, जो सीख सके अपनी दिनचर्या पूरी कर सके। दिनचर्या उसके मान दिनचर्या में गणना का बहुत महत्व है, बिना गणना के जीवन चलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में खेत नापना है, अनाज नापना, अनाज तोलना है, कपड़े नापना है, मिठाई तोलना है, या इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें संख्या में होती हैं, कुछ चीज़ें दर्जन में होती हैं, अब इसका ज्ञान होना चाहिए। तो वह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में तो लागू है, लेकिन यह गांधी जी 1937 के पूर्व में यह सब चर्चा कर रहे हैं। आगे आप देखेंगे सामाजिक विषय पढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक विषय मतलब जो आज हमारा सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, भूगोल,
अर्थशास्त्र और ऐसे और भी विषय हैं जो समाज के कार्यों को के निष्पादन में आवश्यक हो, उन विषयों का विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाना चाहिए, उसके बारे में उन्हें बताया जाना चाहिए, उसका उससे संबंधित प्रश्न दिए जाने चाहिए, वह कार्य किए जाने चाहिए। अगला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं गांधी जी, तो उनका ये कहना है कि हमारे घरों में न जानते हुए भी विज्ञान का प्रयोग होता है। अब जैसे हमारे घरों में गणित गणना में होती है, सामान्य विज्ञान कैसे प्रयोग होता है? सामान्य विज्ञान जैसे दूध से दही बनाना, यह बिल्कुल विज्ञान का विषय है। सामान्य जन भारतीय हो चाहे दुनिया का कहीं का भी हो, यह जरूरी नहीं है कि यह बात सभी लोग जाने कि यह कौन सी प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही बनती है, लेकिन यह विज्ञान का पूर्णतः प्रयोग है कि एक निश्चित तापक्रम पर दूध में पुरानी दही जिसका एक नाम है उसको मिलाया जाता है, जिससे वो आगे की फिर प्रक्रिया होती है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और दूध से दही बन जाती है, और दूध का जो स्वाभाविक रूप है, जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो पूरी तरह बदल जाता है और वो दही में परिवर्तित हो जाता है, उसमें दूध के कोई गुण नहीं होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए, ये पूर्णतः विज्ञान है। और भी तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जिसमें विज्ञान का प्रयोग होता है। गांधी जी उसकी बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए। अब केवल चीज़ों को बहुत बढ़िया बनाने के लिए सारी जिंदगी व्यक्ति से काम करवाया जाए, काम के लिए उसको प्रेरणा दी जाए, तो वैसी स्थिति में उसकी जिंदगी में कुछ उबन सी हो जाती है। एक ही कार्य करते समय बार बार वो उसको दोहराना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में मनोरंजन भी व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। ऐसी स्थिति में गांधी जी बताते हैं, उनका कहना था कि हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में संगीत भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए, ताकि व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए और वह मनोरंजक दृश्य उसके सामने उपस्थित हों। इसलिए गांधी जी संगीत की ही बात करते हैं। चित्रकला, आप में से हम में से बहुत लोग जानते हैं कि भारतीय वाङ्मय में, भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में चित्रकला पहले से ही थी। अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के पहले हमारी जो अपनी शिक्षा प्रणाली थी उसमें चित्रकला थी। आप देखेंगे कि गांवों में सामान्य तीज त्यौहार और कार्यक्रमों में चौक बनता है, पेंटिंग होती है। एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है बिहार में, मिथिला पेंटिंग। इसको किसी अंग्रेज ने, किसी मुगल ने या किसी अन्य देश से नहीं सीखा गया है, ये भारतीय उत्पत्ति है। और भी तमाम ऐसे आधुनिक भारत में तो कई लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो विश्व स्तरीय कृतियां चित्रकला प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यह बात मैं कर रहा हूँ 1937 से पहले की। उस समय भी हमारी शिक्षा प्रणाली में जो अस्थगित थी, उस शिक्षा प्रणाली में चित्रकला की परिस्थितियाँ थीं और वह ऐसे लोक कलाकार या सामान्य घरों में भी, सामान्य व्यक्ति भी थोड़ी बहुत चित्रकला जानता था, जो मुगलों के समय पूर्णतः स्थगित थी। अंग्रेजों के समय भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया गया था, लेकिन गांधी जी ने उसकी आवश्यकता को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पाठ्यचर्या में, हमारे पाठ्यक्रम में चित्रकला भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य विज्ञान, आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य विज्ञान की बात गांधी जी ने पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में की है। स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब, इसकी चर्चा में पीछे भी कर चुका हूँ, शिक्षा व्यवस्था में हमारे पाठ्यक्रम में इन विषयों को समाहित किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति समाज में स्वस्थ कैसे रहे, अपना परिवेश कैसे स्वास्थ्य स्वच्छ रखे, स्वस्थ हो रहे, और उसकी चर्चा में पीछे कर चुका हूँ। आचरण शिक्षा या नैतिक शिक्षा, इसकी भी बात पीछे हुई है कि आचरण बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के द्वारा उसके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति के जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन, उसके व्यवहार में वो दिखना चाहिए। अब आचरण शिक्षा
या नैतिक शिक्षा, समाज में कुछ नीतियां हैं, वह नीतियां घोषित हैं, कहीं लिखी नहीं है, लेकिन वो परंपरा में चल रही है। उन परंपरागत नीतियों के सम्मत, उसके अनुरूप, उसके अनुक्रम में हमको बच्चे को तैयार करना है, विद्यार्थी को और शिक्षार्थी को तैयार करना है। वह व्यक्ति भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी परंपराओं में निहित है, उसे अपने शिक्षा के पाठ्यचर्या में लाया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ। गांधी जी का मानना था कि जो निर्धारित विषय हैं, गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों में निम्नलिखित विधियों द्वारा शिक्षण किया जाए, जो इस प्रकार है। पहला है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि आधुनिक शिक्षा हो या परंपरागत शिक्षा हो या दुनिया की कोई भी शिक्षा हो, इसमें यह स्वतः लागू है। व्यक्ति को देखकर, विद्यार्थी को देखकर विद्यार्थी नहीं पूरी तरह तो कुछ चीजें अवश्य सीखता है। जो समूह में एक कक्षा होती है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समूह में बालक, व्यक्ति, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बालिकाएं जो भी बैठते हैं, वह एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं बनिस्पत कोई अगर उनको शिक्षण कर रहा उस कार्य की अपेक्षा। वह आपस में उसको कहते हैं क्षैतिज अधिगम। यह बात तो बाद में आई कि क्षैतिज अधिगम क्या है, लंबवत अधिगम क्या है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, अनुकरण के द्वारा अधिगम कराया जाना चाहिए, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। यह बात वो समय पूर्व ही जानते थे, आधुनिक शिक्षा लागू होने के पहले। दूसरा है क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब करके सीखना। विद्यार्थी को विद्यालय में, उसकी कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि उसका रोल सीखने में अधिकतम हो। अब शिक्षक का यह कार्य है कि वह परिवेश और परिस्थिति उत्पन्न करे जिसमें विद्यार्थी को अवसर मिले और वह करके सीखे। लर्निंग बाई डूइंग, आज की शिक्षा का बहुत बड़ा, हमारी नई शिक्षा नीति में भी उसकी खूब चर्चा है, पीछे वाली शिक्षा नीति में भी खूब चर्चा थी, पूरी दुनिया में यह चर्चा है कि करके सीखने में, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अस्थायित्व आ जाता है। तो गांधी जी का कहना था कि क्रियाविधि के द्वारा सीखने की प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाए। मौखिक विधि। मौखिक विधि भी गांधी जी ने इसकी चर्चा की। कई बार ये सुनने पर अटपटा लग रहा है कि केवल मौखिक विधि से कैसे शिक्षण कार्य हो सकता है। आप समझें इस बात को कि कुछ तो जैसे भाषा से संबंधित विषय हैं, जैसे उच्चारण है, उच्चारण अगर शुद्ध कराना है तो केवल और केवल शिक्षक के बोलने से और विद्यार्थी के उसके दोहराव करने से, उसको फॉलो करने से, उसको सुनकर और उसी तरह बोलने से उच्चारण शुद्ध हो सकता है। या तो स्वयं उच्चारण शुद्ध करे विद्यार्थी, या अगर उच्चारण शुद्ध कराने की परिस्थिति है तो वह केवल और केवल मौखिक विधि के द्वारा हो सकती है। कई बार कक्षाओं में प्रश्नोत्तर जो होता है वह मौखिक होता है, कई बार लिखित भी होता है, लेकिन अधिकतम समय वह मौखिक होता है। जब पाठ का विकास होता है, जब शिक्षक विद्या कक्षा में जाता है और पाठ का विकास करता है, तो उस परिस्थिति में विद्यार्थी की भागीदारी और शिक्षक की भागीदारी, दोनों की भागीदारी जो है वह मौखिक रूप से ही होती है। इन परिस्थितियों में गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षण विधि है वो मौखिक विधि भी होनी चाहिए। सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि मतलब कि गांधी जी का यह मानना था कि अगर एक समूह बना दिया जाए, उसमें कोई विद्यार्थी किसी विषय को या किसी विषय वस्तु को दूसरे विद्यार्थी से अपेक्षाकृत कम या अधिक जानता है, और उस समूह में, वो समूह हो सकता है 4-5 बच्चों का हो, वह समूह
दो ही बच्चों को, वह दो ही बच्चे हो सकते हैं, तो एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया, इसको गांधी जी ने कहा कि यह सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जो हमारी परंपरा में थी। इसको हमारी जो जिसको अंग्रेजों ने जो स्थगित कर दिया था उस प्रणाली में थी। क्यों? क्योंकि तमाम ऐसे गुरुकुल चलते थे हमारी जो प्राचीनतम मुगलों के आने के पहले, इस्लाम धर्मी शासकों के आने के पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें लगभग इन सारी विधियों का प्रयोग होता था। उसकी बात यहाँ करते हैं गांधी जी सहसंबंधी, मतलब साथ के द्वारा सीखना, जो लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, जिसको कहते भी हैं कि संगत का असर पड़ता है। संगत का असर क्या पड़ता है? संगत का असर यही पड़ता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, उसको शिक्षा पद्धति में लाया जाए, उसको शिक्षण विधि में लाया जाए। अब हम नहीं भी लाएंगे तो भी वह निश्चित रूप से एक समूह में जब विद्यार्थी बैठता है, एक साथ रहता है, सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक वह कक्षा कक्ष में या विद्यालय में है, तो एक दूसरे के साथ है, एक समूह में है, कई बार कुछ देर तक एक दूसरे एक के साथ है, कुछ देर तक दूसरे के साथ है, वो सारे बच्चों के साथ, सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसी प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में आज भी चल रही है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। आगे है श्रवण मनन और निधिध्यासन अभ्यास विधि। श्रवण मनन और निधिध्यासन मतलब शिक्षक कक्षा में कोई बात पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, कोई विषय वस्तु समझा रहा है। जैसे पानी के ही विषय में अगर वो समझा रहा है तो पानी के गुण धर्म की बात कर रहा है, बता रहा है कि पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, शुद्ध जल होता है, ऐसा अगर उन्होंने कहा कुछ, तो ऐसी स्थिति में बच्चे उसको सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्रुति विकास हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि बच्चे को, विद्यार्थी को एक ऐसा अवसर देना चाहिए, ऐसा उपयुक्त अवसर उसको देना चाहिए जिसमें उस बात का मनन कर सके, वो उसको मनन करे कि जो बात बताई गई थी वह बात क्या है, उसका अरेंज करे, उसको उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अरेंज करे, अपनी व्यवस्था में उसको अरेंज करे, और फिर उसको अभ्यास में लाए, निधि ध्यासन, उसको अभ्यास में लाए। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने अनुकरण विधि, क्रिया विधि, मौखिक विधि, सहसंबंधी विधि और श्रवण मनन विधि के द्वारा शिक्षण विधि करने की व्यवस्था दी, उन्होंने अपनी व्यवस्था में इन बातों को लाया। आगे देखते हैं कि कैसे इनको संपन्न कराते हैं। यह अधिगम की शाश्वत विधि है जिसका प्रयोग आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी है। शाश्वत विधि है अनुकरण विधि, यह सदैव से है और सदैव चलती रहेगी, इसका ध्यान, जिसको गांधी जी मैंने पीछे आपसे चर्चा की है इस पर। क्रिया विधि, करके सीखने की बात कहा गांधी जी ने, इसकी भी चर्चा मैंने आपसे की है, शिल्प कला, मिट्टी का कार्य आदि। मौखिक विधि, यह भी एक शाश्वत विधि है, यह जैसे शुद्धिकरण में, उच्चारण में इसका प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए और अनिवार्यता होगा ही होगा, क्योंकि और कोई विधि है नहीं। आगे हम देखते हैं सहसंबंध विधि, उसकी भी चर्चा की कि व्यक्ति समूह, व्यक्ति या बालक या बालिका या शिक्षार्थी एक समूह में बैठता है तो उसका एक दूसरे की संगत और संबंध कायम ही हो जाता है, तो वो सीखता है, एक दूसरे से सीखता है, एक दूसरे को समझता है, बहुत कुछ चीज़ें जानता है उसके द्वारा। आगे है श्रवण और मनन और निधिध्यासन विधि, मतलब वो अभ्यास के द्वारा सीखेगा, सुनेगा, मनन करेगा। नेक्स्ट है, गांधी जी जब शिक्षा की बात करते हैं तो अनुशासन बड़ा आवश्यक विषय है, एक आवश्यक बिंदु है, अनुशासन एक महत्वपूर्ण आयाम है। अगर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और उसको उपयोगी, हितोपयोगी, लाभकारी और उसका आउटपुट, उसका प्रतिफल बढ़िया आए, उसके लिए अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि बालक या विद्यार्थी पर या शिक्षार्थी पर अनुशासन थोपा नहीं जाए,
बल्कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए शिक्षक के द्वारा जिससे वह आत्म अनुशासन विद्यार्थी में कायम हो सके। उसके लिए एक उपाय उन्होंने बताया। उनका मानना था कि इसके लिए शिक्षक को स्वयं आदर्श होकर प्रस्तुत होना पड़ेगा। वह स्वयं एक आदर्श व्यक्ति की तरह, आदर्श शिक्षक की तरह, आदर्श संरक्षक की तरह, आदर्श मित्र की तरह कक्षा में, विद्यालय में वह परिवेश उत्पन्न करे जिससे विद्यार्थी उसको सीखकर वह आत्म अनुशासित हो, और इसके अलावा पूरे विद्यालय में वैसा परिवेश उत्पन्न होना चाहिए। केवल अभ्यास के रूप में या सैद्धांतिक रूप से किसी को अनुशासन सिखाया नहीं जा सकता, ऐसा गांधी जी का मानना था। आगे हम देखते हैं शिक्षक कैसा होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षक को शिक्षण कार्य एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह पूर्णतः सेवा कार्य है। हम प्राय सुनते हैं अध्यापन और कई और सेवाओं में कहा जाता है कि नौकरी करना, अध्यापन करना और नौकरी करना दो चीजें हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी का मानना था कि शिक्षक को एक आदर्श व्यक्ति, पथ प्रदर्शक, उदार मना, धैर्यवान एवं निष्पक्ष चरित्र, मतलब उसके चरित्र में एक आदर्श व्यक्ति हो, उदार मना हो, निष्पक्ष हो, पथ प्रदर्शक हो, समय समय पर वह विद्यार्थी के कि जहाँ कोई आवश्यकता हो तो वह एक मार्गदर्शक की तरह उसे बताए कि आपको यह करना है, आपको यह नहीं करना है, यह बात उसको समझाए। दूसरी बात है कि उदार मना हो, मतलब बात बात में क्रोधित नहीं हो जाए, धैर्य उसका न जवाब दे जाए। ऐसी स्थिति में उसको इन गुणों का उसके अंदर पहले से होना जरूरी है, या नहीं हो तो वो सीख ले। धैर्यवान होना चाहिए, छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र कम है, वह चीज़ों को तुरंत नहीं समझ पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में क्रोध से बचना चाहिए और विद्यार्थियों को के समक्ष अपने को धैर्य रखते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। हो सकता है कि एक ही प्रश्न, एक ही बात कोई विद्यार्थी कई बार पूछे, जो आज की कक्षाओं में होता है, तब की कक्षाओं में भी होता। इससे बचने के लिए गांधी जी ने कहा कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा निष्पक्ष। अब समूह में किसी शिक्षक के पास विद्यार्थी हैं तो पक्षपात होने की पूरी संभावना होती ही है। अब उस पूरी प्रक्रिया को कितना कम किया जाए और कम करके शून्य किया जाए, मतलब विद्यार्थी केवल विद्यार्थी हो, उसमें जाति, धर्म, मजहब, लिंग, इस तरह का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक की गांधी जी ऐसी परिकल्पना चाहते थे, ऐसी परिकल्पना करते थे कि शिक्षक पूर्णतः निष्पक्ष हो, तभी शिक्षा, वह जो शिक्षण कार्य कर रहा है वह विद्यार्थी के पास पहुंचेगा, उसके यहाँ उसका उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वह उसका लाभ ले सकेगा और समाज को लाभ मिलेगा, अंततोगत्वा देश और दुनिया को भी लाभ मिलेगा। निष्पक्ष गुणों का होना चाहिए। आगे हम देखते हैं विद्यालय कैसा होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि विद्यालय एक कर्मशाला की तरह होनी चाहिए और उसमें वह विद्यालय के द्वारा ऐसा परिवेश उत्पन्न हो कि उसमें सभी जो जो समुदाय, जिस समुदाय से संबंधित वो विद्यालय है, जिस जनसंख्या से संबंधित है, उसको उसमें उपस्थित सभी लोगों को साक्षर बनाए। लेकिन पहली बात है कि जो विद्यार्थी शिक्षार्थी वहाँ स्कूल में जाता है उसके लिए विद्यालय कैसा होना चाहिए। उसके लिए विद्यालय एक कर्मशाला की तरह है और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि यूनिलेटरल केवल शिक्षक बोल रहा है और विद्यार्थी उसको सुन रहा है और
एकांगी शिक्षण कार्य से को गांधी जी ने नकारा। उनका कहना था कि उसमें विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की भागीदारी अधिक होनी चाहिए, अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए, जिसके लिए जो शिक्षण विधि उन्होंने पीछे बताई है, करके सीखना, सहसंबंध, अनुकरण और मौखिक, यह सारी विधियाँ जैसा कि उन्होंने विद्यालय की परिकल्पना गांधी जी करते हैं, वैसे विद्यालय में वो सारी शिक्षण विधियाँ अनिवार्य थी। इस नाते गांधी जी ने उसको विद्यालय की परिकल्पना जो प्रस्तुत की उसमें उनका मानना था कि एक कर्मशाला की तरह होनी चाहिए। दूसरी बात, जिन परिस्थितियों में गांधी जी विद्यालय, शिक्षा, अनुशासन सारी बात कर रहे थे, भारत की बड़ी आबादी निरक्षर थी, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में कोई भी नेता, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, वह ये चाहेगा कि उसका पूरा समाज पढ़ा लिखा हो। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने माना और कहा कि उस विद्यालय का ये उत्तरदायित्व है कि समाज से जुड़े हुए अन्य लोग भी साक्षर बने, शिक्षित बने, यह कार्य भी विद्यालय का है। आगे हम देखते हैं, गांधी जी का शिक्षा के अन्य पक्षों पर विचार। जन शिक्षा की बात करते हैं गांधी जी, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, सह शिक्षा की बात करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, धर्म शिक्षा की बात और राष्ट्रीय शिक्षा की बात, इन चीजों पर गांधी जी ने कई ऐसे लेख, अपने संभाषण दिए जिसके आधार पर इस यहाँ तक पहुँचा गया। अब जन शिक्षा को के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं गांधी जी। जन शिक्षा, गांधी जी का मानना था कि जन सामान्य के जीवन को सहज और उच्च स्तरीय बनाने हेतु उसका शिक्षित होना आवश्यक है। मतलब हम या गांधी जी 1937 के पहले सारी बातें करते हैं, 1937 के बाद भी उन्होंने कहा होगा, लेकिन मूलतः 1937 के पहले करते हैं, 1920 के बाद। अब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उन्होंने तभी सोचा था कि एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। बहुत बाद में यह कंसेप्ट आया, संयुक्त राष्ट्र संघ में यह कंसेप्ट आया एजुकेशन फॉर ऑल, फिर हमारे यहाँ शिक्षा का सार्वभौमिकरण आया, लेकिन गांधी जी ने तभी कह दिया था कि सबके जीवन स्तर को सहज और उच्च स्तरीय बनाने हेतु शिक्षा आवश्यक है। अब आगे हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। किसी भी समाज में अगर महिलाएं, लड़कियां शिक्षित नहीं होंगी तो आप यह समझिए कि आधी जनसंख्या आपकी, लगभग आधी जनसंख्या आपकी अकार्यशील होगी, वह विकास में सहयोगी नहीं बनेंगी, वह रोजमर्रा के कार्यों में तो रहेगी, आपका पूर्णतः सहयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह माना गया है, यह बिल्कुल मान्यता प्राप्त सत्य है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करती है। ऐसी स्थिति में अगर महिला शिक्षित है, हमारा समाज अपेक्षाकृत आधे भाग जो अशिक्षित है उसकी अपेक्षा तीव्र गति से विकास करेगा। यह बात तभी गांधी जी ने समझ ली थी और उनका कहना था कि स्त्रियों और बालिकाओं को भी शिक्षित होना चाहिए ताकि पूरा समाज पूरी गति से आगे बढ़ सके, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, मतलब कि दोनों पहियों से समाज आगे बढ़े, दोनों अंगों से, दोनों अंगों की भागीदारी हो। हालांकि वो आज तक भी नहीं हो पाया है, आज भी पूरी तरह वह बात खत्म नहीं हुई है, आज भी किन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां अभी शिक्षा में पीछे हैं, लेकिन वो बहुत कम पीछे हैं, अब लगभग बराबरी के आसपास है, अगले दशक तक हो ही जाएगी, लेकिन जिन लड़कियों ने, जिन महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण कर ली है वह आज देश के उच्चतम पदों पर हैं। ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता और उसकी ज़रूरत की, उसकी आवश्यकता को गांधी जी ने तभी समझ लिया था और उसकी बात की थी। सह शिक्षा,
सह शिक्षा से मतलब यहाँ है कि वह सारे सांस्कृतिक अनुष्ठान, परंपरागत कार्य, सामाजिक कार्य जो समाज में परंपरागत रूप से सदियों से चलते आ रहे थे, उसको करिकुलम के माध्यम से विद्यालयों में लाया जाए और उसको समझाने की कोशिश की जाए, बताने की कोशिश की जाए कि वह शिक्षा कैसे आगे बढ़ाई जाए। संगत के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे को शिक्षित करे, यह जो उपाय बता रहे हैं गांधी जी, वह सभी को शिक्षा मिले उस क्रम में ये बोल रहे हैं, उस क्रम में ये व्यवस्था दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक शिक्षित व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति भी अगर रहेगा तो वह भी उस संगत का असर पड़ेगा और उसमें शिक्षा से संबंधित चीज़ें, व्यवहार, कुशलता, वह सारी चीज़ें उसमें आएंगी। आगे देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन पद्धति में उन दिनों कुटीर उद्योग का बड़ा महत्व था, क्योंकि विज्ञान की विभिन्न आविष्कारों, अन्वेषणों का पूरी तरह अभी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, या ये कहें कि बहुत बड़ी आबादी अभी पूरी तरह उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पा रही थी, वैज्ञानिक विधियों का, वैज्ञानिक उपकरणों का, वैज्ञानिक सिद्धांतों का। तो जो हमारे परंपरागत कुटीर उद्योग थे उसमें भी विज्ञान था, उसमें भी विज्ञान आज भी है, और वह जीविकोपार्जन का साधन था। तो ऐसी स्थिति में वह शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। वह सिलाई कढ़ाई, बढ़ईगिरी, कुम्हार, मिट्टी का कार्य आदि उल्लेखनीय कि तत्कालीन भारतीय समाज में यह सारी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी और उसका उपयोग होता था, जीविकोपार्जन के भी रूप में होता था और उसका कौशल स्वतः लोगों को प्राप्त होता था, वह पैतृक व्यवसाय भी था। राष्ट्रीय शिक्षा, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी, एक राष्ट्र का मानचित्र उनके मानस पटल पर उभर गया था और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा वो प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक शिक्षा हो, एक प्रकार की शिक्षा हो। यह आज भी संभव नहीं है, तब भी संभव नहीं था, क्योंकि स्थानीय आंचलिक जो व्यवस्थाएं हैं देश में, अब जैसे एक तरफ हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ समुद्र है, समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति का जीवन पहाड़ पर रहने वाले व्यक्ति के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होगी। अब उसकी शिक्षा में उस आंचलिकता को लाना आवश्यक है, क्योंकि उसके जीविकोपार्जन का साधन, उसके रहन सहन का साधन, उसके तीज त्यौहार, उसकी रोज की जो दिनचर्या है, वह समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगी, और तीसरा व्यक्ति एक मैदान में रहता है, उन दोनों से अलग होगा। अब व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का इतना उपयोग है कि उसकी दिनचर्या भी उससे संचालित होती है। अगर पढ़ा लिखा, साक्षर, शिक्षित व्यक्ति है तो उन गुणों को, जो सीखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में वह प्रयोग करता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करता है। तो एक ही तरह की शिक्षा पूरे देश में एक साथ लागू तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें सब समाहित हो, उसका प्रयास NEP 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन उसी समय गांधी ने इस बात को समझा था और यह जानने की कोशिश की थी, यह बताने की कोशिश की थी कि एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखते हैं, धर्म शिक्षा के विषय में गांधी जी का कहना था कि किसी व्यक्ति को जिस धर्म को वह मानता है
उसका अस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मैं पूर्ण नहीं कह रहा हूँ, अस्पष्ट, पूर्ण वो नहीं कहते थे, क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा विषय है, उस पर पूर्ण ज्ञान या उस पर पूर्णता का दावा करना कभी भी सत्य नहीं हो सकता। लेकिन अस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए जो दूसरे के धर्म का से प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा करे, बल्कि वह ऐसा ज्ञान होना चाहिए, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामने वाले धर्म का आदर और सम्मान करे, उस धर्म को मानने वाले का आदर और सम्मान करे। इस तरह का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी एक धर्म शिक्षा के बारे में भी बात करते हैं, वह हमारे धार्मिक ग्रंथों से, हमारे संस्कृति से या हमारे जीवन के अन्य पक्षों से भी आता है। उसकी बात गांधी जी ने शिक्षा के अन्य पक्ष में रखा। राष्ट्रीय शिक्षा की बात हम कर चुके। गांधी जी के शैक्षिक, हमने देखा अभी कि गांधी जी जब शिक्षा के बारे में लिख रहे थे तो वह निश्चित रूप से तत्कालीन परिस्थितियों में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वो इसलिए संतुष्ट नहीं थे कि भारतीय समाज की जरूरतों को वह शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं कर रही थी, एक भी एक बात। दूसरी बात कि हमारी एक शैक्षिक प्रणाली पहले से स्थापित थी, जिसे लगभग 1000 साल की व्यवस्था में धीरे 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 उसको उसका ह्रास हुआ और अंग्रेजों ने उसको पूर्णतः स्थगित कर दिया। उसके कुछ तत्वों को तो शामिल किया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कुछ तत्वों को शामिल किया, लेकिन उन्हीं को शामिल किया जो ब्रिटिश हितों को मानती थी। लेकिन गांधी जी ने इन सूक्ष्म चीज़ों की तरफ ध्यान लोगों का दिलाया, और उनका कहना था कि जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित या संचालित शिक्षा व्यवस्था है उससे भारतीयों का लाभ नहीं होगा, उनके जीवन की जरूरतें उससे पूरी नहीं होगी, उसका समाज उससे समुन्नत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में, जैसा कि हमने चर्चा किया, गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्धारित की, शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसका अनुशासन कैसा होना चाहिए और पाठ्यचर्या में कौन कौन से विषय लागू होने चाहिए, इस पर चर्चा की। शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, विद्यालय का वातावरण और विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसमें कार्य करने वाला शिक्षक कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, सारे विषयों पर विशद चर्चा की। लगभग जितना आज की आधुनिक शिक्षा में जो बिंदु हैं सब पर उन्होंने चर्चा की। उसके अलावा गांधी जी ने का मानना था कि कुछ ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह विद्यालय की व्यवस्था में समाहित नहीं किया जा सकता, जो छूट गए हैं पीछे, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, निरक्षर व्यक्ति, उन पर भी चर्चा की। तो संगोपांग गांधी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तत्कालीन परिस्थितियों में, वह आज हो सकता है कि आज के तमाम वैज्ञानिक आविष्कारों में, व्यवस्थाओं में, प्रणालियों में वह पूरी तरह लागू नहीं हो सके, लेकिन तत्कालीन भारतीय परिवेश में वह शिक्षा पूरी तरह विद्यार्थी को कौशल युक्त और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उत्तम थी। सनई सनई उसमें विकास हुआ तो आज की शिक्षा की प्रणाली आई, विकसित हुई, लेकिन तब वही आवश्यकता थी जो गांधी जी ने कहा। आगे हम देखते हैं, प्रायः माना जाता है कि किसी वस्तु, क्रिया, घटना, सिद्धांत के मूल्यांकन के समय कुछ मानक निर्धारित किए जाए, उस मानकों पर वह सिद्धांत, वह घटना, वह क्रिया कितना खरा उतरती है, उसको स्वीकार और अस्वीकार करने का यही एक आधार होता है। हम बात करते हैं कि गांधी जी की ने जो शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की, उसमें हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद और आदर्शवाद दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ गांधी जी ने अलग से कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया।
पहली बात। दूसरी बात कि उस समय पिछली सदी के तीसरे चौथे दशक में 1920 से लेकर और 40 तक भारत की जैसी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में कैसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो सकती है, कैसी शिक्षा व्यवस्था से समाज का विकास हो सकता है, व्यक्ति का भी वैयक्तिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है, राजनीतिक विकास हो सकता है। उस समय जबकि यह बहुत आवश्यक था कि राजनीतिक रूप से व्यक्ति आवश्यक जागरूक हो, क्यों, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन भी चल रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई भी चल रही थी, सत्याग्रह भी चल रहा था, सविनय अवज्ञा भी चल रहा था। ऐसी स्थिति में शिक्षा के माध्यम से इस नेतृत्व को किस तरह बल प्रदान किया जाए, उन परिस्थितियों में यह शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल उपयोगी थी। इसकी आवश्यकता को ध्यान में पूर्व प्रचलित आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद का समन्वय प्रस्तुत किया, समन्वय प्रस्तुत किया और अंत में 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में इसे प्रस्तुत किया गया। कुछ समय बाद इसको 1944 में 1944 में सार्जेंट कमीशन में इसे स्वीकार कर लिया गया। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा की सारे अंगों को कमोबेश छुआ और अंत में उसको अंग्रेज सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया। इन्हीं बातों के साथ आज का हमारा ये जो यूनिट है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।